हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और सब लोग आ चुके हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। विश्वजीत, दीवान, शुभांगी, चाम, संचारी, सबको मेरे तरफ से गुड इवनिंग है। ओके, तो आज जो है आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होने जा रहा है, जहाँ पर आपसे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आज के सेशन में। इंग्लिश के भी क्वेश्चन हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं क्या कि सर प्लीज़ सब नेम बताना सर को, सबने जिनके परेशान किया है। देखो, बात क्या हुआ है कि कल मैंने एक टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया था। वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आके बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे काम कर रहे थे, तो मैंने एक बहुत ही अल्टरनेटिव चीज़ सोचा है जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में आपको बताऊँगा डिस्कशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आज हम लोग अपना आज का लाइव सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप उम्मीद है कि आप सभी लोग आ गए होंगे। ठीक है, एसएससी, अरे यार मेरे नाम से एसएससी क्रैकर्स, अरे शर्मा जी एसएससी क्रैकर्स के नाम से मत बनाओ। ठीक है, चलो ठीक है, ये ले, आप उदास हो गया। नहीं, सबको मेरे तरफ से आवाज़ क्लियर आ रही है और एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो अगर आपका अगर आज्ञा हो तो स्टार्ट कर दें हम लोग। गोपाल कुमार, यस सर। सुरजीत, यस सर। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाला है। यस सर, ठीक है, प्रेजेंट सर, शुभांगी है, शुभो, हेलो सर, ठीक है, कार्तिक, वेरी गुड। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर जो है, क्वेश्चन का नंबर है ये 100 है, इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैं आज आपको फटाफट से टेस्ट लेने वाला हूं, आप लोग बस आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए, समझे फ्रेंड्स। आज ज्यादा कुछ टाइम पास नहीं होगा, ठीक है। सर का फेक आईडी बन गया, यस। चलिए यहां पर स्टार्ट हो गया। आप लोग पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड एम्प्लॉयमेंट ब्रिज पोर्टल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है एम्प्लॉयमेंट ब्रिज पोर्टल। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यस, मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन है इसके लिए जो है आप जो है, हाँ आपको जो है थोड़ा आज नाम पे कम कंसंट्रेट करना। आप लोग पहले 10-20 क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि इन विच मार्केट फॉर्म्स अ मार्केट और एन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सेलर। ठीक है, तो किस टाइप का मार्केट होता है जहां पर सिंगल सेलर का पूरा बोलबाला होता है। फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उम्मीद भी कर सकते हैं आज के टेस्ट से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन रिपीट होने को मिल सकता है। ठीक है, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 2-2, वेरी गुड, मोनोपोली इज द राइट आंसर। मोनोपोली आपको पता ही है जहां पर सिंगल सेलर होते हैं, गवर्नमेंट का स्पेशली बोल वाला ज्यादा होता है। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, तीन ऑप्शंस दिए हुए आपको कि द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स या हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आंसर। आवाज क्लियर आ रहा है ना। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 का आंसर, यस, यहां पर वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं। वाह शुभांगी सर, आज मैं मामा के यहाँ आई हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 4-1-2-3। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट की, तो द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द हाउस ऑफ द पीपल है, ये तीनों जरूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आप बताइए कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो कौन है एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। आप लोग बस आंसर देते रहो, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि सुबो ने भी कुछ डिलीट किया है। निर्जा, वेरी गुड, करेक्ट है आंसर आपका। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, प्रेसिडेंट आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, प्रेसिडेंट आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5th है कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, ये आपको बताना है। और यहाँ मैं देखिए तनय, शुभांगी, वाणी, अविनाश, विश्वजीत, पद्मावती,
ठीक है, सब लोग आए हैं, जो लोग डेली आते हैं वो लोग सब आ चुके हैं ना, वेरी गुड। नील, एसएससी क्रैकर्स, सृष्टि, चौधरी, धुरीन, तेजस्वी, करिश्मा, निर्जा, वेरी गुड। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैरन हेस्टिंग आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है कि सह याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है। वॉट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा चलिए, सह्याद्री रेंज का क्या हो जाएगा, अनुराग रावत क्या कहना है, सर साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी के पीडीएफ दे दो सारे चैप्टर वाइज, ठीक है सब मिल जाएगा आपको। चलिए, संचारी, वेरी गुड। यहाँ पर नील, आकांक्षा, करिश्मा, नॉलेज गैदरिंग, अनु, तनु, रंजना, सचिन, वेरी गुड, गीतू के, सबका आंसर आ गया, अर्जुन यादव। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। फटाफट से आप लोग आंसर दे दीजिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर शरद मिश्रा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड, सुब्बो, संदीप, सुरजीत, वेरी गुड, वीना कुमारी, सब लोगों का आंसर आ गया है। प्रियंका शॉ, वेरी गुड, चाम, संदीप पाल, वेरी गुड। चलिए, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एंटोनी वेन जो है आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि व्हाट इज अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। अगर हम बात करें बग का, ठीक है, BUG बग, तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बग का मतलब क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला है एक लैपटॉप, ठीक है, एप्पल का लैपटॉप आपको मिलेगा अगर आपने सही जवाब दिया तो। फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। सिंपल कुमारी, पूजा, रिया, पद्मावती, अनुषा, वेरी गुड, आप ठीक हो ना। हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, कल बहुत परेशान हो गया था। चलिए, यहाँ पर स्वीटी जी, वेरी गुड। चलिए, शरावंती, वायरस, नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन एरर इन प्रोग्राम, ठीक है। बग क्या होता है, बग होता है एन एरर इन प्रोग्राम, जब प्रोग्राम में एरर होता है तो उसको बग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच, जो पीएच होता है ह्यूमन ब्लड का, ठीक है, वो क्या होता है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सब लोग एक लाइन से वायरस कह रहे थे, लेकिन माही वानी का आंसर एकदम करेक्ट था, वाह माही। शुभांगी, वेरी गुड, यहाँ पर सबका सही आंसर आ रहा था। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आंसर क्या क्या आ रहा था, लेकिन अगर हम बात करें बग की, तो वो क्या था आपका, वहाँ पर होता वायरस नहीं, आपको एन एरर इन प्रोग्राम आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाता तब हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर ये होगा स्लाइटली बेसिक, आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है, थर्ड आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है कि इन विच सिटी इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ लोकेटेड है, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से आप लोग। वेरी गुड, यहाँ पर सबको आंसर आ रहा है, एकदम सही है। अविनाश द रॉकर, एम मैक बुक मिलेगी क्या सर, अभी क्वेश्चंस नहीं, अभी मेरे का टाइम है क्वेश्चन पूछने का, आप लोगों का नहीं, आपका टाइम दिया जाएगा तब आप पूछेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, ये कहाँ हो जाएगा, करेक्ट आंसर जल्दी से फटाफट, यस करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देहरादून आपका राइट आंसर है, जिसका भी करेक्ट आंसर है उनको देहरादून घूमने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट, अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर्स का, तो वो किस कंट्री के साथ है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको बॉर्डर पे घूमने का मौका मिलेगा, एकदम फटाफट से आंसर आपका आना चाहिए कि इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री। और यहाँ पर विश्वजीत दीवान, धुरीन, सुरभि, वेरी गुड, पंचू, संदीप, अनामिका, संचारी, गीतू, नॉलेज गैदरिंग, सबका आंसर आ रहा है, चौधरी टेक, वेरी गुड, अनुप्रिया रॉय, एकदम सही है आपका आंसर, और 11 का आंसर तो मुझे मालूम है सबका करेक्ट आएगा, वेरी गुड। यहां पर तेजस्वरी डॉ, शरावंती, दीपक, ठीक है, रिया, सुरजीत, सबका आंसर करेक्ट है, बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर का। चलिए, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन सोचा कि नहीं, आपसे पूछना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से दीजिए। चलिए, नेहा कुमारी, धुरीन, वेरी गुड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे देखना है कि सबसे पहले किसका आंसर आता है, राज श्री नायक, वेरी गुड, चलिए बांग्लादेश का आंसर तो सबका सही है, निर्जा, वेरी गुड, इसका आंसर कौन देने वाला है सबसे, शुभांगी, मैं सर मैं जा
मैं जा रही हूँ, मामा के यहाँ हूँ इसलिए जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ खाना खाने जाओ और थोड़ा सा मेरे नाम से ज़्यादा खा लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे आंसर, यस वाह क्या बात है, 12 का आंसर आ चुका है आप लोगों का फटाफट से, 12 का आंसर, और सबका करेक्ट आंसर भी आ गया है 12 का। सबसे पहले आंसर देने वाले हैं धुरीन, विश्वजीत, दीवान, संचारी, रंजीता, जूही, अनीता, सुरजीत, वेरी गुड, रजनीगंधा। चलिए एकदम करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आपको तो पता चल ही गया होगा कि स्टोव का मतलब क्या होता है, जो भी मतलब होता है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसका देखिए, इसका कोडिंग ये है, तो ये और यहाँ देखिए निकालना क्या आपको, वोट्स। तो आप अगर ध्यान दो तो स्टोव को ही जो है इसका जो अल्फ़ाबेट है उसको चेंज कर दिया, STOVE, तो जो S का है कोड वो F हो जाएगा और उसी के अनुसार इसको पुट कर देना है आपको, तो आपका A आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, S का कोड है F, तो S यहाँ है तो S लास्ट में आ जाएगा तो F यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हो, A आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश का, फटाफट से झटापट से आपको आंसर देना है। 12 का 1 एकदम सही है आप लोगों का, प्रियंका सॉरी ये गलत हो गया, कोई बात नहीं है प्रियंका, SSC क्रैकर्स, वेरी गुड। अच्छा लेट हो गया, ओछे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा पारुल, 13 ना, चलिए यहां पर 13 का 3 आंसर आ रहा है, वाह एकदम सही है दीपक ध्यानी है सर, धुरीन का आंसर सबसे पहले है, वाह एकदम माही स्वीटी वेरी गुड, सबका आकांक्षा सबका आंसर आ गया। देखिए यहाँ दिया हुआ है इफ़ यू हैड, जब आपको इस टाइप का सेंटेंस दिख जाए कि यहाँ पर इफ़ यू हैड, अगर तुमने मेरा हेल्प मतलब किया होता, इफ़ यू हैड टोल्ड मी सॉरी, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो आई विल की जगह आई वुड होगा, ठीक है, तो विल की जगह वुड होगा, समझ रहे हो, ये सब रूल है। 3 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, ओके, तो आपको एकदम बताना है कि इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए यहां पर किसी का आंसर आया क्या, क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 14 का आंसर आपका क्या होगा, यस अवॉइड आपका करेक्ट हो जाएगा 14 का, ये डॉज का मतलब होता है चमकना एक तरह से, सब लोग आप लाइम लाइट में रहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, चलाक होते हैं, धोखा होता है, कपटी होता है, मतलब एक तरह से आप ठीक से रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवॉइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 आपका एकदम राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया आपका, यस क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है मैट्रिकुलस का मतलब क्या हो जाएगा, मेरिट्रिसियस का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल एकदम सही है, क्योंकि ये एंटोनिम्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दिखावे का, और नेचुरल का मतलब होता है कि एकदम जैसा आप हो वैसा ही, ठीक है, तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है अपोजिट, ठीक है, नेब्यूलस का अपोजिट क्या होगा, नहीं यार मेरिट्रिशियस का मतलब होता है दिखावे का, कोई चीज़ होता है ना दिखाने का, तो वो हो जाएगा, तो उसका अपोजिट तो एक तरह से नेचुरल ही होगा ना, कि हाँ वो मतलब नेचुरल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी नेडुलस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, अपोजिट, यस करेक्ट आंसर आपका आ गया है। देखिए यहाँ क्या है, नेब्यूलस, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से अस्पष्ट होता है, ठीक है, अस्पष्ट होता है, और डेफिनेट का मतलब स्पष्ट होता है कि ठीक है ये डेफिनेट है, तो एंटोनिम्स पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर डेफिनेट आपका सही हो जाएगा, ठीक है, वन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, अब आपसे पूछा गया है इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, सुब्बो का अपना एक सही है एकदम, ठीक है, वन आपका सही होता है, नेब्यूलस का मतलब अस्पष्ट होता है, डेफिनेट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पर, हाँ अनामिका पाठक का एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका 17 आ गया है कि स्पीक एंड स्पैन का हम इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आ गया है। सर आपकी वॉइस दूर से आ रही है, दूर से नहीं आ रही है, एक्चुअली मेरा रूम खाली है तो आवाज़ गूंज रहा है, अब मुझे भी एकदम ऑकवर्ड लग रहा है अपना आवाज़ सुनकर, समझ रहे, इसीलिए मैं खुद इरिटेट हो रहा हूँ, मतलब डिस्टर्ब हो रहा हूँ अपने आवाज़ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नीट एंड क्लीन आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, नीट एंड क्लीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि आपको बताना है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, ठीक है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का idioms क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 3 सबका सही है, पारुल, तनय, विश्वजीत, निर्जा, विश्वजीत चौधरी एकदम करेक्ट है, निर्जा, SSC क्रैकर, सोलो फ्रेंडली, वेरी गुड, पारुल, बड़ी दुर्गा, अच्छा बड़ी दुर्गा का है, सही है एकदम करेक्ट आंसर। प्रिया सिन्हा, सर ये मेरा फर्स्ट क्लास है, मैं वीडियो लोड होने के बाद देख रही थी, ओहो वेलकम। चलिए यहाँ पर ठीक है, कुछ भी का भी एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, वेरी गुड कुछ भी। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है, टू एग्जाजरेट आपका एकदम है सही है, ठीक है, किसी भी चीज़ को बढ़ाते रहना, और यहाँ पर आंसर सबका करेक्ट आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर, अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का, रॉयल इवेजर, वेरी गुड, अनुषा, राधा, राजश्री, पुष्पांजलि, राजीव, वेरी गुड, जूही तिवारी, अनीता कुमारी, सृष्टि स्किप कर दी हैं, अच्छा रिया घोष, निशी, मनप्रीत कौर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, फटाफट से झटाझट से, यस आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर कैलस, ठीक है, कैलस जिसका भी आया है 19 का आपका, जिसका भी करेक्ट आंसर 1 आया है वो सही होगा, पता नहीं आप लोग कैसे दे रहे हो। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी का मतलब होता है कि एक आदमी दयालु और सहानुभूति से रहित हो, मतलब उसके सीने में दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, वो क्या है, वो कैलस है, मतलब कठोर है, तो 9 का 1 आपका सही हो जाएगा, समझे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, वन हु ईट्स खाना टू मच, ठीक है, वन हु ईट्स खाना टू मच क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए सब लोग कैडुलस कैडुलस बोल रहे हैं, दीपक धैनी का भी गलत हो गया है, कोई बात नहीं है सबका, ठीक है, विश्वजीत, चलिए चाम का सही है, वेरी गुड, यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कुछ भी, ओहो SSC क्रैकर्स, चलिए ग्लूटन सबका सही आ चुका है, ठीक है ठीक है, जो खाना बहुत ज़्यादा खाता है, वन हु इट्स टू मच, ग्लूटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है चलिए वो तो सबका सही है, लिपिका वेरी गुड, अंग सुमन वेरी गुड, चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
चलिए, डिले आपका एकदम सही आंसर है। जिसका भी डिले आंसर आया है वो एकदम सही है, ठीक है। इसका मतलब भी होता है एक तरह से देर करना, टालना किसी चीज़ को, मतलब पोस्टपोन करना। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है डिले, आपका सही है। जिसका भी फोर आंसर है वो करेक्ट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशकस का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ कुछ आंसर आप लोग दिए जा रहे हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स लगता है आप लोगों को मतलब थोड़ा सा वर्ड वाला करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें प्रोक्रेस्टिनेट क्या था आपका, रॉकस था, ठीक है। यहाँ तो रॉकस पूछा गया आपसे, लेकिन वहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है एक तरह से डिले, आपका सही वर्ड था। सिमिलर मीनिंग्स तो वही होता है डिले, ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई है रॉकस की, ठीक है। तो रॉकस का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फटाफट से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डलसेट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपका एकदम सही है कर्कश गंभीर, इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 23 अ वाइल्ड गूस चेज, ठीक है। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको, मतलब साउंड इज नॉट क्लियर, मुझे भी लग रहा है साउंड इज नॉट क्लियर। अच्छा अब मेरी आवाज़ आ रही है क्या, अच्छा मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है क्या, कोई बता दो। अंचल मिश्रा आई एम न्यू योर स्टूडेंट्स, अब आवाज़ क्लियर है, कोई बताएगा। चलिए सबका आंसर सही है, यूजलेस सर्च आपका एकदम राइट आंसर है। वाइल्ड गूस चेज यूजलेस सर्च, वेरी गुड। अ मूट पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए मूट पॉइंट। चलिए वाइल्ड गूस सर्च का वैसे भी मतलब होता है बेकार, मतलब का खोज पड़ताल आप कर रहे हैं, तो यूजलेस सर्च आपका एकदम राइट आंसर है। हाँ, अब आ रहा है क्लियर, वेरी गुड। चलिए जितना आ रहा है उतना बहुत अच्छा है, ठीक है, सर इज ऑडिबल। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अ मूट पॉइंट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्प्यूटेड, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, अ वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विसेज, यहाँ पर डिस्प्यूटेड सबका सही है, एकदम सही है, एकदम वेरी गुड। शुभो, विश्वजीत, ऋषि, गीतू, पंचू, तेजस्वरी, बड़ी दुर्गा, छोटी दुर्गा, सिज मध्यम दुर्गा, सबका करेक्ट आंसर आ चुका है। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विसेज, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इमेरिटस जो है आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके स्क्रीन पर कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन का मेथड है ये किस कंट्री से लिया गया है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, और यहाँ पर आपका आयरलैंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से आपका लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धना, ठीक है। तो किंग हर्षवर्धना के कोर्ट में कौन सा पोएट वहाँ पर थे उस टाइम पे, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धना। फटाफट से जागो स्टूडेंट, जागो, क्या हो जाएगा, बाणभट्ट आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है, बाणभट्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बाणभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मार्बल, मार्बल का तो नाम आपने सुना होगा, ये किस कैटेगरी में आता है रॉक का, मार्बल कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रॉक, क्या होगा आंसर, एकदम जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उन सभी के घर में मार्बल मैं लगवाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मार्बल्स कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ रॉक, और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है, साइनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो साइनेप्स गैप होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किन दो बीचों के बीच प्रेजेंट होता है ये,
और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक तो आपका सही था, साइनेप्स गैप जो है प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आ चुका है कि C++ ये क्या है। C++ अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पलक श्रीवास्तव का आंसर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, आप लोग ठीक है, यहाँ पर क्या है, C++ क्या है फ्रेंड्स, जागो स्टूडेंट, जागो क्या हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ करेक्ट आंसर आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ये C++ है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपके 31 है, स्क्रीन पर आ चुके हैं, जो ये क्वेटो प्रोटोकॉल है ये कब फोर्स में आया था, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो क्वेटो प्रोटोकॉल है ये कब फोर्स में आया था ये आपको बताना है, वेरी गुड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सबका सही था, सिद्धार्थ, मिक्की, रिया, संदीप, कार्तिक, विश्वजीत, निकिता, वानी, अंशुमन, ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, अनडिफाइंड सोल, वेरी गुड, अनामिका पाठक। चलिए, ये जो क्वेटो प्रोटोकॉल है ये कब आया था, ये आया था 2005 में, हालांकि 90s के दशक में ही इसको किया गया था, बट एग्जिस्टेंस की बात करें तो 2005 में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है कि मलेरिया को किसने डिस्कवर्ड किया था, हु डिस्कवर्ड मलेरिया काउजिंग जर्म्स, वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मलेरिया वाले का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पलक श्रीवास्तव एट द रेट सृष्टि, BCA काम आ गया बस। चलिए, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मलेरिया के डिस्कवर्ड की बात करें तो यहाँ पर CL एल्फोरस एंड लैवरन जो है आपका एकदम राइट आंसर है, आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अगर हम बात करें कि द गीता फॉर चिल्ड्रेन, इस बुक के ऑथर कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द गीता फॉर चिल्ड्रेन, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, फटाफट से, जयंत कुमार का करना है, यस वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ रहा है, अनुप्रिया, ऋषि, वीना कुमारी, पंचू, वेरी गुड, एकता सैनी, वेरी गुड, रोशन राज एकदम सही है, अर्जुन यादव कुछ भी, वेरी गुड, सोलो फ्रेंडली। चलिए, यहाँ पर है कि जो गीता फॉर चिल्ड्रेन है इस बुक के ऑथर कौन है, तो रूपा पाई की अगर हम बात करें तो ये हैं इस बुक की ऑथर। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, और मैं देखना चाहता हूं कि 34 का आंसर कौन सा प्राणी सबसे पहले बनाते हैं। गाइस, आर यू, हाँ ठीक है, मजा तो आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, मेरे से कोई शिकायत, कोई मुझे काला पानी का सजा देना चाहता है तो बता दे, मैं अभी पानी में काला रंग डालकर उसमें डूबने को तैयार हूं। चलिए, आंसर आ गया क्या, वाह क्या बात है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुके हैं हमारे फ्रेंड्स सबका 25, वेरी गुड, लेकिन शशि ने स्किप कर दिया है, बाकी हमारे जितने भी सुपरस्टार हैं, वाह मेरे स्टूडेंट सुपरस्टार, वेरी गुड। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखो 19 और 13 का डिफरेंस कितना होता है, 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36, 37 और 28 का डिफरेंस कितना होता है, 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81, उसी तरीके से 43 और 38 का कितना होता है डिफरेंस, 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, और यहां पर आपका करेक्ट हो गया, वेरी गुड, ठीक है, एकदम सही हो गया आपसे निर्जा, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब चलते हम लोग फिर फटाफट से, अब आपके सामने आ चुका है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स आपको बताना है स्पार्स का, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्पार्स का फ्रेंड्स, फटाफट से, झटाझट से। आकांक्षा का एकदम सही आंसर है, एकदम सर, मुझे आपसे शिकायत है बहुत सारी, भाई आप कुछ भी मत बोला कीजिए, क्या क्या ऐसा बोल दिया,
चलिए यहाँ पर स्पार्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर एब्यूडेंट आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो चुका है यस इगोइस्ट, आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है, जिसको अपने आप से मतलब हो। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स, ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इगोइस्ट तो सबका आंसर करेक्ट था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 37 और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, तो यहां पर क्या होगा, एग्जम्प्टेड आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो चिल्ड्रेन थे अंडर 5 साल के उसको एग्जम्प्ट रखा गया है पासपोर्ट बायोमेट्रिक से, तो 4 आपका करेक्ट है। ब्रिंग टू लाइट, इस क्वेश्चन का इडियम्स क्या हो जाएगा, ब्रिंग टू लाइट का इडियम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का करेक्ट आंसर क्या है इडियम्स, रिवील क्लियरली आपका एकदम सही है कि जब आप कोई चीज को ब्रिंग करते हैं लाइट में लाते हैं तो मतलब कि कोई चीज आप रिवील करते हैं, तो रिवील क्लियरली आपका एकदम सही है। होल्ड वाटर, इस होल्ड वाटर का idioms क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate मीनिंग ऑफ द गिवन idioms, होल्ड वाटर, और होल्ड वाटर का क्या हो जाता है आपका राइट आंसर, और यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, होल्ड वाटर का idioms होता है टू बी वैलिड, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा टू बी वैलिड। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, ठीक है, 8 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए आप लोग। ये तो बहुत इजी हो गया क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें 8 जियोमेट्रिकल फिगर्स उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागोन, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, फ्यूरी का सिनोनिम्स क्या होता है, What is the synonyms of fury? Fury का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंगर, एकदम राइट आंसर है। तो फ्यूरी का मतलब एक तरह से रोष होता है, क्रोध होता है, ठीक है, तो एंगर का मतलब भी वही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो जो सिटी है विजयवाड़ा वो किस नदी के किनारे है, ये आपको बताना है, जो सिटी है विजयवाड़ा ये कहाँ पे किस नदी के किनारे लाइज करती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, नहीं 42 है, कि द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ दिस रिवर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा यहाँ पर फटाफट से, यस कृष्णा नदी आपका एकदम राइट आंसर है। द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, जो अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम है इडविन हबल, ठीक है, ये जो नाम है ये किस थ्योरीज के साथ एसोसिएटेड है, इसका जवाब आपको देना है। द अमेरिकन साइंटिस्ट इडविन हबल नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दिस थ्योरीज, एंड वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बिग बैंग थ्योरी है उससे ये नाम जुड़ा है, इडविन हबल्स का बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताना है कि अगर हम बात करें इक्वल डे और इक्वल नाइट की, तो अर्थ कब एक्सपीरियंस करता है और कहां करता है, द व्हेन डज द इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आपका रिविजन समझ लो एक तरह।
तरह से, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जितने भी 2017 से 19 के बीच में एग्जाम हुए हैं उसका ही क्वेश्चंस का ये कलेक्शन का रिवीजन हो रहा है आपके साथ, समझ रहे हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डे ऑफ इक्विनॉक्स, जो है आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि जो इंडियन रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका रीजन में उसका नाम क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिका रीजन, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर पे हम लोग देखेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 50 होगा कि कौन कौन करेक्ट आंसर और कौन कौन लोग यहां प्रेजेंट है, ये सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। किरण का जो सीरीज है ये कल से स्टार्ट होगा, कल से आपका फिजिक्स स्टार्ट होने जा रहा है, ये मैं बता दूं, ठीक है, वेरी गुड। तो कल से 1 से लेकर 200 तक जो है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है किरण पब्लिकेशन से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैत्री आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, आपको बताना है कि भावी और कलबेलिया जो एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है ये किस इंडियन स्टेट्स का है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भावी एंड कलबेला इज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, ये किस इंडियन स्टेट्स का है और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग अपने आंसर्स को मिलाते रहना और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। टाइमिंग वही रहेगा रात के 9 बजे से, ठीक है, रात के 9 बजे से ही लाइव टेस्ट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताइए जिनको केमिस्ट्री, ठीक है, उनके लिए नोबेल प्राइज 2 बार मिला है। हु इज़ द ओनली साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2 times, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर मैथ्स का भी कुछ करवा दीजिए, तो मैथ्स के लिए तो कल मैंने आपको बताया ही था कि मैथ्स के लिए हर एक चैप्टर का 30-30 क्वेश्चन का कलेक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है, परसेंटेज से आपका स्टार्ट होगा। और वो वीडियो को अगर आप लोग ने देखा नहीं, उस पर अगर समझ लीजिए आप लोगों ने, मतलब मान के चलिए एटलीस्ट 1000 बच्चा तो आपको देखना ही चाहिए और 150 लाइक्स तो होना ही चाहिए उस वीडियो पे, तो ही वो सीरीज़ कंटिन्यू मैं करूँगा, ठीक है। क्योंकि इतने मेहनत के साथ मैथ्स का बनाना सेट और उसका अगर बेनिफिट्स आप लोग नहीं लोगे तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, ठीक है। मेरे सीने में भी तो दिल है ना, उसमें भी तो दर्द होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 का, फेडरिक सैंगर जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के लिए 2 बार, 1958 में और 1980 के टाइम पे इनको मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 48, आपको बताना है कि 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो है कब कहाँ पे होस्ट किया गया था, आपको बताइए। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट्स, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, असम आपका राइट आंसर है। और एसएससी ने इस क्वेश्चन को ऐसे गोद लिया था कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था, करीबन 7 से 8 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था, ठीक है, कि जो 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कौन सा इंडिया का स्टेट है जो होस्ट किया था, तो असम आपका राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके स्क्रीन पर कि हु वाज देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल, जब सती प्रथा जो इलीगल हो चुका था, पनिशेबल हो चुका था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है गाइज। चलिए बहुत अच्छी बात है कि सभी का आंसर एक सुर से आप लोगों का, मतलब एक सीक्वेंस में ही करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। FCI में भी ये क्वेश्चन आया था, हाँ। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 49 का, वेरी गुड, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके स्क्रीन पर, इलोक्वेंट का आपको बताना है सिमिलर मीनिंग, इलोक्वेंट का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर एकदम बता दीजिए आप लोग फटाफट से। अभी तो केवल 50 क्वेश्चंस हुआ है, 50 क्वेश्चंस तो अभी और बाकी है, थोड़ा और हम लोगों को स्पीड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इलोक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपको, फ्लुएंट आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है इंडेड इन अ फियास्को, इसका इडियम्स क्या होता है, इंडेड इन अ फियास्को का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है कि इंडेड इनफ यास्को, इसका इसका इडियम्स क्या होता है? यस, करेक्ट आंसर अ कंप्लीट फेल्योर, आपका एकदम राइट आंसर है। और थोड़ा 50 क्वेश्चंस हो गए हैं तो थोड़ा मैं देख लूँ कि 51 हो गया। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर। आकांक्षा कुमारी, तने सरकार, संदीप, मयंक, जयंत, निशी, अनुषा, विश्वजीत, सुरजीत, राधा, गायत्री, सचिन, एक्स वाई जेड, निर्जा, श्वानी, प्रिया, शुभो, विश्वजीत दीवान, कार्तिक, कुंदन, रिया घोष, सचिन शरावत, कृष्णाकर, रजनीगंधा, आर के गेम्स, शरावंती, सोनू, अर्जुन यादव, पारुल संचारी, चलिए मोना सिंह, ईशा कुमारी, अच्छा ईशा कुमारी, यस ठीक है, सुरजीत, विश्वजीत चौधरी, वेरी गुड, चलिए नील सबका सही है, स्वीटी जी। चलिए अब हम लोग फिर यहाँ से तेजी से स्टार्ट करते हैं। शो वाइल्ड ओट्स, इसका इडियम्स क्या होता है? एस एच ओ डब्ल्यू है, शो वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या होता है? यस आकाश सलूजा, ठीक है वेरी गुड। चलिए यहाँ पर शो वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या होता है? चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, ये होता है टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स, ठीक ठीक है, ये मतलब होता है कि कुछ ऐसा व्यर्थ का काम करना, बर्बाद टाइम करना, जो हालांकि जो यंग एज में लोग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इजली डब्ड और फोल्ड, ठीक है, इजली ड्यूब्ड और फोल्ड का क्या हो जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। चलिए इजली ड्यूप्ड और फूल्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्यूलिबल आपका राइट आंसर है, बहुत भोला भाला, जिसको आसानी से ठग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटोनमेंट फॉर वन साइंस, ओके व्हाट इज द राइट आंसर फॉर अटोनमेंट फॉर वन साइंस, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अटोनमेंट फॉर वन साइंस का मतलब क्या हो जाता है करेक्ट आंसर यहाँ पर? एकदम फटाफट से आप लोग, किसी के पापों का प्रायश्चित, क्या हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, करेक्ट आंसर आपका दिया हुआ है रिपेंटेंस, जो है आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड किए गए हैं फ्रेंड्स? ठीक है, और आपका एक और फंडामेंटल ड्यूटीज है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना। ठीक है, तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोग आंसर देते चलो क्योंकि क्वेश्चन सभी बहुत ज्यादा है, और यहां पर हो जाएगा आपका टोटल है आपका 11, ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 86 अमेंडमेंट जो कि हुआ 2002 में, उसके बाद जो है एक जो है एडिशनल ड्यूटीज दे दिया गया था उन पेरेंट्स के लिए कि आपका ये ड्यूटीज है कि आप अपने बच्चे को जितने भी हैं 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक आपको पढ़ाना है, दिस इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 56, आपको बताना है कि पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या होता है, ये क्या डील होता है, इसमें पार्ट 4 में क्या मेंशन दिया हुआ है यहां पर, करेक्ट आंसर आप लोग बताइए यहां पर। वेरी गुड, निर्जा, स्वीटी, सुब्बो, निशी, पंचू, अंजू, विश्वजीत चौधरी, सबका करेक्ट आंसर आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है आपको ये मेंशन है पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, आपको बताना है कि बैक टू द वेदास, ओके, ये स्लोगन, ये नारा जो है वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया था यहां पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, संदीप, रितु शॉ, प्रिया सिन्हा, वेरी गुड। स्किप किसने कर दिया है? डियर वानी ने कर दिया है, लेकिन भाई आपको कुछ बोलना था हम लोगों से, बताइए। हाँ वही बता तो दिए थे टेलीग्राम पे। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका वेदों की तरफ? दयानंद सरस्वती जो है आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने ही बोला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, अब आपको बताना है कि जो ये टोडर मल जो थे, जो कि फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर थे किस मुगल एम्पायर का, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल जो कि एक फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर थे किस मुगल एम्पायर का, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड,
अनुषा गायत्री दास, कार्तिक, रंजीत कुमार, आरके गेम्स, वेरी गुड। यहाँ पर लिपिका, पंचू, शुभो, निर्जा, वेरी गुड। माही, टेक्निकल जॉब, सबका आंसर आ गया। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे। टोडरमल डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया था? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है, लेकिन क्या करें, पूछता है एग्जाम में बहुत बार कि हु इन्वेंटेड डायनामाइट। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायनामाइट जो है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनामाइट को किसने किया था? यस, अल्फर्ड नोबल आपका एकदम राइट आंसर है। अल्फर्ड नोबल, इन्हीं के नाम पे नोबल प्राइज भी मिलता है। आपको बताना है कि जो डांडिया है ये किस स्टेट का डांस है? डांडिया इज अ फॉर्म ऑफ डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो डांडिया जो है ये डांस किस स्टेट का है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? यस, गुजरात आपका राइट आंसर है। गुजरात का है डांडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किस स्पोर्ट्स पर्सन का? ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? ऑटोबायोग्राफी उनके ऊपर लिखी हुई। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, सिंपल कुमारी, वेरी गुड। प्रफुल्ला, ड्रीम गर्ल, ठीक है। शुभो, रजनीगंधा, तेजस्वर पाल, वानी, अनुप्रिया, लक्ष्मण नाथ, निर्भया, स्वीटी, पारुल, सुरजीत, निर्जा, दुरीन। यस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? शानिया मिर्जा, ठीक है, टेनिस सनसनी। शानिया मिर्जा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, आपके स्क्रीन पर बताना है। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2019 में पूछा गया था, हालांकि सारे क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं प्रीवियस में। आपको बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि फिक्स करता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट भारत का? ठीक है, विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? बहुत ही सिंपल है। चाम का कहना है, सर माई नेट इज वेरी डिस्टर्बिंग। यस, कोई बात नहीं है चाम, यू तुम करते रहो ट्राई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, इसीलिए फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल जॉब, सुरजीत, धुरीन, संदीप पाल, नील, पद्मावंती, पलक श्रीवास्तव, यह सृष्टि, ड्रीम गर्ल, ठीक है, आरके गेम्स, आरएमपी किंग, सोनू, बैड गुज्जर, ठीक है, राहा शुभम, मिक्की नेहा, आकाश सलूजा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोटबया राजपक्षे आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है आपके स्क्रीन पर कि अगर हम बात करें, नेम द फिजिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेसिकली जो है न्यूट्रॉन का किसने किया था इन्वेंट, ये आपको बताना है, जिनको 1932 में इनकी डिस्कवरी थी और इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे कि नेम द फिजिक्स हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। दिस 1932 डिस्कवरी लेड्स टू हिज विनिंग द नोबेल प्राइज। जेम्स चैडविक आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, आपको बताना है अराकू वैली जो कि एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, ये किस साउथ इंडिया के स्टेट्स में लोकेटेड है, सिटीज में? ठीक है, द अराकू वैली अ टूरिस्ट रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर विच ऑफ दिस सिटीज ऑफ इंडिया? और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 65 का, अराकू का? यस, विशाखापट्टनम आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, आपको बताना है साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शरावंती, दोरा, वाईजैक, वेरी गुड, संचारी, डियर वानी, विश्वजीत चौधरी, धुरीन, एक्स वाई जेड, शुभोजीत, सुरजीत, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एमडी वसीम अकरम खान, एकदम सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? साइनोलॉजी आपका एकदम सही है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 67, आपको बताना है कि व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड?
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक दूसरा नाम भी है और वो बहुत कॉमन है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है गाइस, थोड़ा सा और हिम्मत लगाओ और आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राई आइस, आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, आपको बताना है कि ये जो सावित्री बाई फुले जो हैं ये किस इंडियन स्टेट से आती हैं। ये एक वेटरन इंडियन फ्रीडम फाइटर भी हैं, और सावित्री फुले ये किस इंडियन स्टेट से आती हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, फटाफट से बताइए आप लोग, सावित्री बाई फुले किस इंडियन स्टेट से आती हैं। ये जो सावित्री बाई फुले हैं इनको कहा जाता है इनके बारे में कि सी इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, जो कि अपने हस्बैंड के साथ जिनका नाम था ज्योतिराव फुले, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था, फर्स्ट फीमेल टीचर। अगर जितनी भी आज महिला टीचर आप देख रहे हैं, लेडी टीचर देख रहे हैं जो आज इतना नाम ऊँचा कर रही है, अगर हम लोग बात करें कि किनको देखकर कौन वो रिफॉर्मर थी, तो वो सावित्री बाई फुले ही थी, क्योंकि इनको कहा जाता है कि सी इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और जिनकी मृत्यु पुणे में हुई थी 10 मार्च 1897 को। ओके फ्रेंड्स, महाराष्ट्र आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके स्क्रीन पर, आपको बताना है कि हु इज द फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड इन 4 कंजुकेटिव टेस्ट सीरीज। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 4 लगातार टेस्ट सीरीज में डबल हंड्रेड लगाए हैं, ठीक है, और यह कीर्तिमान किसने बनाया है? यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली, जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 70 है, आपको बताना है इसका पैसिव फॉर्म। ठीक है, ये आपके सामने एक्टिव है, आपको पैसिव बताना है। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, सुब्बो, डियर सुब्बो का भी आंसर एकदम करेक्ट है, सिमरन सिंह, एकता सहनी, एमडी वसीम अकरम, पूजा पुनिया, मोना सिंह, प्रफुल्ला भास्कर, अर्जुन यादव, चांदनी गुप्ता, वेरी गुड, चाम सृष्टि, रंजीता सिंपल, पुष्पांजलि। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको रूल्स तो पता ही होगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये क्या है। तो ये आप देखिए, ये आपका क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट में दिया हुआ है, प्रेजेंट इनडेफिनिट में है कि द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। अब आप जानते हो कि जब आप प्रेजेंट इनडेफिनिट को चेंज करोगे पैसिव में तो वहाँ पर इज आएगा, ठीक है, इज या आ जाएगा। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क है, उसके साथ आपका क्या लगेगा, उसके साथ आपका इज लगेगा, तो यहाँ पर इज लगेगा तो हैज तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, बींग तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, वाज तो लगेगा ही नहीं, तो बस 4 आपका करेक्ट हो गया। आपको तो इलिमिनेट करना है, पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, 4 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 है ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम्स क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैंडेटरी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 72 है हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक का क्या हो जाएगा आपका इडियम्स क्या हो जाएगा, हार्ड नट टू क्रैक, माइकल डिसूजा, वेरी गुड, माइकल डिसूजा भी आ चुके हैं। यहाँ पर हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एक तरह से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73 एक्सोडस, इसका एंटोनिम्स क्या होता है एक्सोडस का, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मे भी हो सकता है खाना पीने के लिए मम्मी बुला रही होगी, चलो सिमरन चलो खाना खाने चलो, शर्मा जी चलो खा लो, बस माँ रुको ना 2 मिनट टेस्ट दे देना, नहीं नहीं चलो चलो बाद में देना। एक्सोडस का मतलब क्या होता है, अराइवल आपका एंटोनिम्स हो जाता है, ठीक है, अराइवल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, ठीक है, शोक गीत, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, व्हाट इज द राइट आंसर। रंजीता मौर्या, वेरी गुड, पुष्पांजलि चाम, मोना सिंह, वेरी गुड, अ सॉन्ग एट अ ब्यूरियल का करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरस, जो है आपका करेक्ट आंसर है, इलेजी भी होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेक फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव को हम क्या बोलते हैं, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंच लीव का क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि लीव विदाउट एनी
इंटीमेशन, ठीक है, यहाँ पर कि बिना बोले हुए फ्रेंच लीव ले लेना, ठीक है, बिना बोले हुए छुट्टी ले लेना, तो ये हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग डैट कैन नॉट बी हर्ड। अरे यही सिचुएशन तो आपके साथ भी हुआ था इस वक्त कि समथिंग डैट कैन नॉट बी हर्ड, और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनऑडियबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनऑडियबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 77, चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड का क्या हो जाता है, ठीक है, चिकन हर्टेड को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? लिपिका शाहू और शुभो, ठीक है। चलिए चिकन हर्टेड क्या हो जाएगा, ये एक तरह से कोवार्ड आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कमजोर दिल वाला जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कि वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन को हम क्या बोलते हैं, जो नया हो किसी प्रोफेशन में, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है एकदम तेजी से, जिसको नौसिखिया भी बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर टायरो हो जाएगा। टायरो का मतलब होता है नौसिखिया होता है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि बैटल ऑफ चौसा जो है ये फाइट हुआ था हुमायूं और किसके बीच में। बैटल ऑफ चौसा वाज फाउट बिटवीन हुमायूं एंड होम, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपको बताना है, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं तेजी में कर रहा हूँ, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? शेर शाह सूरी आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है, जो कि चौसा की लड़ाई कब हुई थी, तो ये हुआ था 26 जून 1539 को हुआ था, ओके, शेर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ईस्ट फ्लोइंग रिवर हम किसको बोलते हैं? कम ऑन गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ब्राह्मणी रिवर आपका एकदम करेक्ट है, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपको बताना है अर्चना कामत किस खेल से संबंधित है? अर्चना कामत इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स गेम? व्हाट इज द राइट आंसर यू गाइस? अर्चना कामत इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, एंड द राइट आंसर इज टेबल टेनिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल परमिशन देता है ताकि जो है पार्लियामेंट में अमेंड हो सके। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? जो पार्लियामेंट अमेंड करता है, संशोधन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कौन सा आर्टिकल के अंडर में करता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाई मुझे आपसे कुछ पूछना है, कैन आई आस्क? ऑब्वियसली डियर वानी, ऑब्वियसली आपको किससे परमिशन लेना है? और यहाँ पर आर्टिकल 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, नबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? व्हेन वाज नबार्ड एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, तो कब हुआ था नबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट, कौन बताएगा? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। और नबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है, 1982 आपका राइट आंसर है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ लोकेटेड है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन वेयर? और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रियंका शॉ, सचिन सरावत, वेरी गुड, माइकल डिसूजा, विश्वजीत चौधरी, शुभो, ओ माय गॉड, सब लोग अभी तक बने हुए हैं, वाह, कम ऑन, आपके लिए क्लैप। ओ जोधपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जोधपुर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल अ फास्ट वन, इसका इडियम्स क्या होता है? पुल अ फास्ट वन का इडियम क्या होता है? मैं भूल गई। चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, ट्रिक समवन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CI2I, ठीक है, CI2I का मतलब क्या हो जाता है, इसका इडियम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रियंका सिन्हा, वेरी गुड, चांदनी गुप्ता, सचिन शेरावत, चाम, आशीष रंजन, अर्चना,
ओके विश्वजीत चौधरी, सचिन, रेशु। चलिए यहाँ पे सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री विद समवन। एग्री विद समवन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 87, परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। ठीक है, परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, और इसका आपको बताना है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से एक व्यक्ति से संबंधित किसी जगह से। यहां पर आपका करेक्ट आंसर है कॉन्जेनाइटल जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, नवजात बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। ठीक है, टू इंक्रीज द स्पीड आपका क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, जनजात। ठीक है, टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज द स्पीड को हम क्या बोलेंगे, एसिलरेट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एसिलरेट जो है आपका राइट आंसर है। हाँ, इसका मतलब नवजात नहीं जन्मजात होगा। ठीक है ना, कौन जेनाइटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 89 की, आपको बताना है कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स ये टाइटल किसको मिला था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। तो पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी है, आप अगर कोई भी अगर इसका आंसर अगर जवाब देगा तो इसका करेक्ट आंसर के लिए लड़के को मिस्टर यूनिवर्स बना दिया जाएगा और लड़की को मिस यूनिवर्स का टाइटल मेरी तरफ से दे दिया जाएगा। और यहां पर राइट आंसर होगा सुष्मिता सेन, 5'11" हाइट। क्वेश्चन नंबर 90 है कि व्हाट वाज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी ऑफ गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी का हिस्टोरिकल नेम क्या है। चलिए यहां पर मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आया है सुष्मिता सेन। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी गुवाहाटी। ठीक है, प्रयाग ज्योतिषपुर जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, आपको बताना है कि खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये एक्ट किस वर्ष में पास्ट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खादी और विलेज कमीशन जो है ये कब पास्ट हुआ था और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। पारुल ने ऐसा क्या कह दिया कि वाणी करिए कि आई एम एग्री विथ यू। चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा खादी वाला का, यस यहां पर राइट आंसर है 1956 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, आपको बताना है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, आशीष रंजन आप कहाँ रहते हो। मैं बिहार मुजफ्फरपुर में रहता हूँ और अपने घर में रहता हूँ। ठीक है, रजनीगंधा ने स्किप कर दिया है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पर पूछता है। सुकुमार सेन आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपको बताना है जो आपने सुना होगा MSME, ये जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये कब एक्ट पास्ट हुआ था। डेवलपमेंट एक्ट वॉज पास्ट इन द ईयर, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और ये एक्ट कब पास्ट हुआ था, MSME डेवलपमेंट एक्ट पास 2006 में ये हुआ था, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 94 है, आपको बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और मैं इसका आंसर देखना चाहता हूँ कि कौन भाई बंधु इसका आंसर देते हैं। ठीक है, कि नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, सबसे छोटा अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट का तो वो कौन है। सुरभि कुमारी कह रही है कि मुजफ्फरपुर, मैं भी वहाँ रहे हूँ 4 साल। अच्छा, अनुप्रिया आई एम ऑल्सो, अरे मुजफ्फरपुर का बहुत लोग है, डू मैथ्स इजियर, मैं भी मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा, कोई इंग्लैंड से है क्या। एनी माइकल दिस इज द वॉर, दिस इज द लाइक द फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंग्लैंड वोट द एनी पोर्सन कोई है क्या, अगर है तो प्लीज़ मुझे एलिजाबेथ से मिलना है।
चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस 94 का 4 जो है सब लोग आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है। माहे जो है आपका एकदम राइट आंसर है, जो कि पुदुचेरी में है। माहे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है। मैं हूँ इंग्लैंड से वानी सुनी चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निर्जा भी कह रही है कि मैं भी हूं सर फ्रॉम इंग्लैंड। कंचन, यस, चलिए ठीक है। चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता पोर्ट, आमी भालो आशी पोर्ट, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 2019 में जब हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, उसमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा था। गाइज क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ठीक है, बस बहुत ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। सबसे क्लीनेस्ट कौन था, ये था आपका इंदौर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंदौर सबसे जो है क्लीनेस्ट सिटी था स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि कौन सा डायनेस्टी ने बिल्ड किया था ये पंचारथ ऑफ महाबलीपुरम, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर महाबलीपुरम को किस डायनेस्टी ने किया था, पल्लवा इसका डायनेस्टी, आपका एकदम राइट आंसर है पल्लवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी ने गोद लिया था 2019 में जो सीजीएल का हुआ था, कि 107, ठीक है 107 जो इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि बैंगलोर में हुआ था उसका थीम क्या था, ठीक है। व्हाट वॉज द थीम ऑफ दैट 107th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन बेंगलुरु, और इस क्वेश्चन को भी एसएससी ने गोद लेकर बहुत बार पूछा था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम ऑन गाइस कम ऑन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे लिए तो इमोशनल पल हो जाता है कि जो लोग शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, टेस्ट दे रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ठीक है। चलिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट 99 पे पहुँच चुके हैं हम लोग। आपको बताना है कि इन विच ईयर वाज द नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर बिल्ट बाय महाराजा स्वाई जैन सिंह सेकेंड, तो किस साल में इन्होंने बनवाया था। ओके, सिमरन सिंह का आंसर वेरी गुड करेक्ट है, सृष्टि वेरी गुड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर बिल्ट बाय महाराजा स्वाई जैन सिंह सेकंड कब हुआ था, 1734 में हुआ था, 1734 में। और क्योंकि ये 100वां क्वेश्चन है तो ग्रैंड एंट्री के साथ हमको करवाना पड़ेगा, तो आप लोगों के सामने पेश होने जा रहे हैं आज के 100 नंबर क्वेश्चन जो कि शर्माते हुए आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। चलिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए कि विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द 10 लाख करोड़ मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर देकर आप लोग भी अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। सृष्टि ने स्किप कर दिया है, क्या बात है सृष्टि। चलिए ये क्वेश्चन का बताइए कि किस क्वेश्चन का, चलिए यहाँ पर 4 आंसर आ चुका है, वेरी गुड। और हम लोगों ने इस तरीके से जो है अपना 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है आपका राइट आंसर होगा। तो गाइस लेट बहुत हो चुका है, आप बहुत डांट सुन चुके होंगे घर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ये 100 क्वेश्चन हो चुका है आपका, और जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सब इंपॉर्टेंट है, रिविजन में बहुत काम आएंगे। 2017 से 2019 के बीच के बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, इसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और क्योंकि ठीक है आप लोगों का स्कोर अपना कमेंट कर देना, मैं बाद में पढ़ लूंगा क्योंकि मेरे मुंह का वाट लग चुका है, ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है इसीलिए मैं चुप हो जाता हूं। चलिए तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करके, और जाने से पहले लाइक कर देना, ठीक है। लाइक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100 क्वेश्चन बर बोले हैं, ठीक है, इसलिए मेहनत बहुत लगा है, इसलिए करके जाना। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कल से आपको मैं दे दूंगा, सुबह में 7 बजे से आपका वोकैबुलरी हो जाएगा, सॉरी करेंट अफेयर्स, 9 बजे से वोकैबुलरी, 11 बजे से स्टैटिक, कल मैथ्स के भी वीडियो आएंगे, सब वीडियो आएगा कल। और कल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि फिजिक्स का जो है आप लोग 1 से लेकर 200 क्वेश्चन तक पढ़ के आना फिजिक्स में, ठीक है गाइस।
तो चलिए सब लोग करके जाना यहाँ से लाइक, और मिलिए, खाना पीना खाइए, इंजॉय कीजिए। तब तक हम लोग जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ठीक है, आराम करने जा रहा हूँ, ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लाइव सेशन का समापन कर देते हैं।